विश्व हिंदू परिषद, ये जो धन चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा के उन्होंने दिया है मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को, 78 लाख रुपीज, ये टैक्स पेयर का पैसा दिया है। हम इसका निषेध करते हैं कड़ी शब्दों में। एक तो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज ये धर्मांतरण के काम में लगी हुई संस्था है, और इसीलिए हिंदुओं का ही धन लेकर हिंदुओं को धर्मांतरण में वो लगाना, इसका अधिकार किसी मुख्यमंत्री को नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि महात्मा गांधी जी ने बहुत वर्ष पहले ये कहा था, 1937 में, कि धर्मांतरण की गतिविधियां विश्व शांति की सबसे बड़ी बाधा है, और इसीलिए इस तरह के काम के लिए हम राज्य के मुख्यमंत्री ने ओपनली धन देना, यह अत्यंत गलत बात है। ये जो रिलीफ फंड है, ये इंडिविजुअल कठिनाई के लिए दिया जाता है, कैंसर है, हार्ट पेशेंट है, डिस्ट्रेस है, उस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के गतिविधि के लिए फंड दिया नहीं जा सकता, ये तीसरी बात है। और इसीलिए और मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के बारे में अनेक तरह के आरोप है, यानी झारखंड में उनके ऊपर बच्चे बेचने के भी आए थे, अन्य तरह के बहुत तरह के आरोप उनके ऊपर आए हैं। और कभी भी मदर टेरेसा ने ये नहीं कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा, मैं जीसस के लिए कर रही हूँ। तो इसलिए इस तरह का काम करने वाले संस्था को उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने यह धन देना, ये एकदम ब्लैटेंट एंटी हिंदू ऐसा काम उन्होंने किया, इसका अधिकार उन्होंने उनको नहीं है, यह ऑर्डर उन्होंने कैंसिल करनी चाहिए।